Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine in your home. Welcome back to my class. And today we are going to start unit number 5 of standard 6 subject English. Class number 6 class का 5th unit की poem देखने वाले हैं. Where do all the teachers go? The poem name is Where do All the teachers go. Students, आपने बहुत सारे teachers देखे हैं, है ना? हमारे life में हम लोगों का सामना बहुत सारे teachers से होता है. हम लोगों को बहुत सारे teachers पढ़ाते हैं. और कभी आपने सोचा कि teachers जाते हैं? आप लोग तो अभी छोटे हैं, but अभी तक आपको बहुत सारे teachers ने पढ़ाया हुआ है. तो ये teachers जाते हैं. आपका कोई फेवरेट टीचर होगा? सभी के रहते. तो ये सारे टीचर्स जब हम बड़े होते हैं तभी भी यह पढ़ते रहते हैं, और जैसे पहले होते थे वैसे होते हैं. ना वो बड़े होते हैं ना वो चेंज होते हैं. हम लोग अगर 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे या फिर 12th में जाएंगे तो सेम रहते हैं. तो ये एक छोटे से बच्चे की एक थिंकिंग, छोटे से बच्चे के माइंड में आया हुआ क्वेश्चन, कुछ सवाल इस पोयम में बताए गए. कि एक छोटा सा बच्चा सोचता है कि ये सारा एक ऑर्डिनरी पर्सन के हिसाब से वो बच्चा सोचता है कि ये जो टीचर्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं. जब उनकी लाइफ कैसी होती है, टीचर्स को कैसे स्कूल में देखते हैं, है ना? छोटे बच्चे टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ स्कूल में देखा करते हैं. उनका इमेजिनेशन पावर जो होता है वो भी स्कूल तक ही सीमित होता है. बस वही क्वेश्चंस ये छोटे से लड़के के दिमाग में, छोटे से एक बच्चे के दिमाग में. एक पोएट ने छोटे से बच्चे के दिमाग के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बताए गए हैं. तो होता यह है कि टीचर की जो इमेज होती है वह इमेज छोटे बच्चे के स्कूल तक ही सीमित है. तो ये टीचर्स बाहर कैसे रहते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है और इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, इसी बारे में जो छोटे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आए हैं वही पोएम में वो क्वेश्चन बताए गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? चार बज गए लेकिन सारे टीचर्स जाते कहाँ हैं? अब बच्चे तो घर जाते हैं बट टीचर्स कहाँ जाते हैं? बच्चे के मन में सवाल कैसे आता है कि टीचर्स कहाँ जाते हैं? चार बजने को है लेकिन टीचर्स अभी तक स्कूल में ही है, क्योंकि उनको तो पता नहीं था ना कि टीचर्स छोटे छोटे बच्चों टीचर्स कहाँ जाते हैं. डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वो घर में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? अब उनकी जो डेली रूटीन है वो भी सेम ऑर्डिनरी पर्सन की जैसी है. बट जो छोटे बच्चे के दिमाग में, माइंड में जो कंसेप्ट बैठा हुआ है टीचर के बारे में, जो इमेज बैठी हुई है वह ऐसी बैठी हुई है कि टीचर्स सिर्फ स्कूल में देखा करते हैं. टीचर्स का अगर ध्यान है तो हमारे सामने इमेज होती है कि स्कूल का प्रीमाइसिस और वहां पर टीचर्स, इस तरह का हमारे दिमाग में इमेज बनता है. तो उसी तरह ये बच्चे के दिमाग में भी एक प्रश्न है कि चार बजे टीचर्स आखिर जाते कहाँ? क्या वो घर में रहते हैं? क्या वो अपने जूते मोजे या सॉक्स खुद धोते हैं जैसे कि हम धोते हैं? हम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं वैसे टीचर्स अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं? क्या आपने जूते मुझे खुद धोते हैं? डू दे वियर पैजामास? क्या वो पैजामास पहनते हैं जैसे कि हम लोग स्कूल से जाते हैं? तो एकदम घर में हम लोग पूरा वॉश करने के बाद, फ्रेश वॉश, बॉडी वॉश करने के बाद, जब फ्रेश होने के बाद हम एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, कंफर्टेबल क्लॉथ पहनते हैं जैसे पैजामा, नाइटी, टी शर्ट, जिस लाइक दिस. क्या वैसे टीचर्स पहनते हैं?
गो टू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखने भी जाते हैं? हमारा तो वही रहता है कि घर में गए कपड़े चेंज किए अपने क्लॉथ्स पहने फिर पास और टीवी के पास टीवी का रिमोट का रिमोट पकड़े कि पोकेमोन कोई डोरेमोन कोई कुछ अलग सीरियल्स कुछ अलग कार्टून्स देखा करते हैं कुछ मैचेस देखा करते हैं अलग अलग तरह के टीवी पर शोज हम लोग देखते हैं। क्या यही बातें टीचर्स करते हैं? यह सवाल छोटे से बच्चे के दिमाग में आता है। एंड डू द पिक देयर नोज, बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही एकदम अलग सा सवाल इसके मन में आता है कि डू दे पिक देयर नोज सेम एज यू एंड मी? क्या टीचर्स अपने नाक में उंगली डालते हैं और ऐसे घुमाते हैं जैसे कि तू और मैं करते हैं खाली टाइम में नाक से जैसे अपने नाक में उंगली डालते हैं घुमाते हैं टीचर्स जैसे कि आप और मैं करते हैं? यह जो पोएम में एक बच्चा दूसरे बच्चे ऐसा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐसा हुआ दिया हुआ है कि एक बच्चा अपने दूसरे अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है बातें शेयर कर रहा है इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चा क्या कहता है क्या टीचर्स भी अपने नाक में उंगली करते हैं जैसे कि तुम और मैं करते हैं? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टीचर्स कभी बोर्ड पर राइट करें कभी राइट हमेशा राइट स्पेलिंग राइट करें वो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते। बच्चों के दिमाग में टीचर की एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि टीचर ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है इसलिए बोला गया है कि टीचर इज नॉट अ प्रोफेशन। टीचर एक प्रोफेशन नहीं है, टीचर इज अ इमेज। टीचर क्या है? इमेज है, छवि है। बच्चों के सामने एक एग्जांपल है, टीचर्स एक एग्जांपल सेट करते हैं अपने बच्चों के सामने। सो टीचर क्या होता है? एक इमेज होती है। और हम या कोई भी हम हमेशा अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, टीचर्स की गुड थिंग्स फॉलो करते हैं और हम जानते हैं कि टीचर्स कभी गलत नहीं हो सकते, टीचर्स कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते और टीचर्स हमेशा सही होते हैं। यह हम आप मैं सभी लोग जानते हैं। दैट्स व्हाई बच्चा कहता है कि कभी तो टीचर्स से कभी गलती नहीं हो सकती, क्या कभी उनसे गलती हो सकती है या कभी उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है? इस तरह से बच्चे के मन में एक बहुत सा अच्छा सवाल आया हुआ है। देखिए वेयर दे पनिश इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो बच्चा कभी उनको पनिश मिला है कि हमें जैसे पनिशमेंट मिली वैसे टीचर्स को कभी पनिशमेंट मिली कि कभी टीचर्स को कॉर्नर जाके खड़े होना पड़ा आपको बहुत सारे पनिशमेंट मिली होगी अलग अलग तरीके की वो एंड स्टैंड देयर जाओ और वहां पे खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके या मुर्दा बन के जो भी जिस तरीके से है आपने पनिशमेंट लिए हो पनिशमेंट आपको मिली होगी। इसी तरह से क्या टीचर्स को पनिशमेंट मिली? इस तरह का सवाल बच्चे के मन में आता है। थर्ड स्ट्रक्चर जो शुरू किया था हमारा वो देखिए थर्ड स्ट्रक्चर Do they live with other people? Do they live with other people? Have they moms and dads? क्या हमारे जैसे उनके फ्रेंड्स होते हैं? क्या वो भी दूसरों के साथ में रहते हैं? यह सवाल बच्चे के मन में आया क्योंकि टीचर्स को तो वो कहाँ पे देखते हैं? टीचर्स को वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में देखते हैं और उनके सामने एक माइंडसेट हो जाता है कि टीचर सिर्फ स्कूल में रहते हैं। स्कूल से रिलेटेड सारी चीजें टीचर्स तक है, बाकी उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में टीचर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं। तो इसी वजह से
बच्चे के मन में एक सवाल आता है, क्या टीचर्स दूसरों के साथ रहते हैं? क्या टीचर्स भी मम्मी और डैडी होते हैं? एंड वेयर दे इवन चिल्ड्रन एंड दे इवन पेरेंट, क्या कभी वो बच्चे रहे हैं? टीचर्स दूसरे बच्चे थे, क्योंकि हम अभी भी पढ़ रहे हैं तो टीचर्स इतने बड़े थे, हम पिछले क्लास में भी थे तो टीचर्स इतने बड़े थे, कभी बने नहीं रहे, कभी पढ़े ही नहीं हो रहे टीचर, तो टीचर तो तेरे बच्चे थे। ये सवाल बच्चे के मन में आया, बच्चे के मन में यह सवाल आया हुआ है कि टीचर्स भी तेरे बच्चे थे, टीचर्स हम जैसे बच्चे बन थे, क्योंकि हम लोग बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे जब टीचर्स को देखते हैं तो पहली बार क्लास में जाते हैं तो भी टीचर उतने बड़े थे, अभी क्लास में जा रहे हैं तो भी टीचर नहीं बड़े, तो टीचर तो बड़े हुए थे, टीचर तो बच्चे थे, इस तरह का सवाल बच्चे के मन में आया है। एंड वेयर दे इवर बैड, वो कभी बुरे थे, कभी उन्होंने मस्ती की, कभी उनको पनिशमेंट मिली, ये सारे के सारे सवाल बच्चे के, छोटे से बच्चे के मन में आ रहे हैं। देन फोर्थ स्टैंडर्ड में डिड दे इवन स्पेल, मतलब कभी उन्होंने मिस्टेक किया है, कभी स्पेलिंग मिस्टेक की है, या उनको कोई पनिशमेंट मिली है, या कभी वो चॉकलेट टैक्स के लिए उन्होंने पनिशमेंट मिली है, उन्होंने कभी चॉकलेट दूसरे के पास से छीन के लिए मिली है, ये सारी बातें छोटे से बच्चे के दिमाग में आती है। Did they ever lose their hand books? क्या अभी हैंडबुक्स होता है बीस तरह जो कविताएं होती हैं उनकी बुक्स, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी बुक ले रहे हैं, जो आपको समझ लेते हैं क्या पॉकेट बुक ले रहे हैं, क्या कभी उन्होंने अपनी हैंडबुक्स या स्टोरी बुक्स लूज की हुई है? Did they ever leave their things? अभी देखो आप जब खेलते तो आपके क्लॉक्स पर कभी आपको ऐसा रिमाइंडर होता है कि घास का या फिर किसी ग्रीन कलर का घिसा का लगा हुआ है, या फिर स्क्रैचेस, जैसे कि हम लोग खेलते हैं ना तो हमें हमारे कपड़ों पर घास के बोले या किसी चीज को ग्रीन ग्रीन दाग लगे हुए होते हैं। Did you remember? क्या आपको याद आ रहा है? इसी तरह से टीचर्स ने भी यह एक्सपीरियंस लिया हुआ है। Did they scribble on the desktops? क्या उन्होंने अपने बेंचेस पर, डेस्क पर कभी बहुत ही सीधा सवाल? आपने भी ये बातें नोटिस की होगी कि बहुत सारे बच्चों को टेबल पर लिखने की आदत होती है, टेबल पर स्क्रैचेस करने की आदत, स्क्रिबल करने की आदत होती है। So, यह सारी बातें टीचर्स ने कभी की हुई है, यह सवाल बच्चे के मन में आता है, जैसे कि हम लोग अपने डेस्क पर, बेंच पर पेन से लिखते हैं, ऐसी बातें क्या कभी टीचर्स ने की हुई है? यह सवाल बच्चे के मन में आता है। देन लास्ट कथा जो कि पीटर निक्सन को होते हैं वहां पे, डिड दे वेयर ऑल देयर थिंग्स, स्पेशली मेल चिल्ड्रन के लिए, सॉरी मेल चाइल्ड, मेल चिल्ड्रन के लिए, मेल स्टूडेंट्स के लिए, कि जो पोएट है पीटर डिक्सन वो कहते हैं कि कभी टीचर्स ने ओल्ड जींस पहनी हुई है, कोई ना कोई आपकी फेवरेट जींस होती है, फेवरेट की दो जोड़ी रहते हैं हमारे जो कि हमारे सबसे फेवरेट होते हैं, वो जींस गंदी होती है तो भी हम लोग उसे पहना करते हैं, तो फिर कितनी महंगी हो जाए, मम्मी की गाली खा खाते, मम्मी की गाली खा खाते हम लोग उसे पहनते हैं, तो ऐसी गंदी जींस कभी पहनी नहीं। I will follow the one back home today. I will follow one back. ऐसे एक टीचर का मैं पूछा करूंगा and I will find out what they do. और मैं देखूंगा, मैं देखने की कोशिश करूंगा कि वह क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल
कैसी होती है, ये सारी चीजें मैं आज फाइंड आउट करूंगा। एंड देन आई विल पुट इट इन अ पोएम और मैं ये सारी चीजें एक पोएम में लिखूंगा दैट दे कैन रीड टू यू, और वो जो बातें हैं वो आपके लिए पढ़ सकते, आपके लिए पढ़ सकते। इस तरह से पोएट पीटर डिक्सन, नाम याद रखिएगा, Where Do All the Teachers Go, written by Peter Dixon. Okay, ये पॉइंट का पॉइंट कौन है? Peter Dixon. I hope कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।